नमस्कार, इंडरटाइप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा के पास जिला पंचायत सदस्य नहीं, इसलिए घबरा गई है राजमंगल यादव तो जिला अध्यक्ष सपा। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सपा की जिला अध्यक्ष सपा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम ये वादा करते हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और पुनः अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस चुनाव में घबरा गई है, इसलिए फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है ताकि जिला पंचायत सदस्य डर जाए और भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो। परंतु राजमंगल यादव ने कहा कि सपा के पास बहुमत है और 3 जुलाई को सामने आ जाएगा। ये बता दीजिए, राजमंगल यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बन गए जी। आज अखिलेश जी का जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर आपकी तरफ से क्या उनके लिए है और क्या उनको तोहफा दिया जाएगा? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लाखों करोड़ों नौजवानों की आशा के लिए, चाहे गरीब हो, कमजोर हो, समाज का अंतिम व्यक्ति, अगड़ा पिछड़ा दलित, सभी वर्ग के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और सबकी नज़र है अखिलेश यादव की तरफ। पूरा प्रदेश पूरा देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है अखिलेश जी की तरफ। अखिलेश यादव जी एक विकास पुरुष और सभी वर्गों के लिए अखिलेश यादव जी काम करने वाले व्यक्ति हैं, सभी वर्गों के लिए काम करते, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए माननीय अखिलेश यादव जी काम करते हैं। हम ईश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हमारे नेता आदरणीय सनातन पांडे जी और सभी लोग, हम लोग जाकर के दर्शन किए, वहाँ भी हम लोगों ने दुर्गु बाबा से भी प्रार्थना किया कि हमारे नेता की उम्र लंबी हो और सबकी उम्र हमारे नेता को लगे। ये ईश्वर से हम लोग विनती कर रहे हैं कि समाज में जो गरीब है, कमजोर है, लाचार है, जो बीमार है, उसकी आशा के किरण हिंदुस्तान की राजनीति में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम माननीय अखिलेश यादव। जिस प्रकार से जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसी दूसरे तरफ में लोकतांत्रिक जिला पंचायत अध्यक्ष एक उत्सव के रूप में चल रहा है जिसका परिणाम 3 तारीख आना है, उसके पीछे में सियासी दाव पे चारों तरफ पूरे जनपद में चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आचार्य नालंदे के सिद्धांतों पर चलने वाली है पार्टी, हमेशा लोकतंत्र पर समाजवादी पार्टी का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं, लोकतंत्र पर आज विश्वास रहता तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से नंगानंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज वहाँ का प्रशासन पूरे प्रदेश से लेकर के, और खासतौर से मैं जिला अध्यक्ष बलिया में हूँ समाजवादी पार्टी का, बलिया की मैं बात बता सकता हूँ, हमारे नेता आदरणीय सनातन पांडे जी ने आपकी बात बहुत ही गंभीरतापूर्वक बताने का काम किया। अपनी राजनीति 30 वर्ष की राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से घटना देख रहे हैं कि जहाँ सीधे सीधे नंगा नाच हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ जिला पंचायत के मेंबर के परिवार के लोग दरखास्त नहीं दे रहे, दरखास्त वहाँ नहीं दी जा रही, उनसे जबरदस्ती दरखास्त दिलवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और विधायक का प्रेशर दे करके दरखास्त दिलवाया जा रहा है और हमारे नेता अंबिका चौधरी और उनके जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आनंद चौधरी को फंसाया जा रहा है, मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कल इनमें यदि विश्वास रहता लोकतंत्र में तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं। कल जिलाधिकारी महोदय के हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी गए और कहें सपा के मंत्री हो चाहे पूर्व मंत्री रहे, तो सारे लोग जिला पंचायत अपहरण कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। कौन आरोप लगाए? जिला अध्यक्ष साहू जी ने कल डीएम को पत्र देकर सपा पर आरोप लगाए तमाम तरह के। अच्छा, ये आप सोचिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी योगी जी की सरकार है, महामहिम योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है, सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, अफसर उनके हैं, कलेक्टर उनके हैं सरकार के,
एसपी उनके हैं और सारी प्रशासन उनकी है और गुंडाई समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। गुंडाई कौन करता है? गुंडाई वो करता है जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वहां विधायक और मंत्री गुंडाई करवा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखकर के केवल वोट देना चाहती है, वोट दिलवाना चाहती है, जिला परिषद के मेंबर अच्छा ढंग से वोट दें इसके लिए हम लोग चाहते हैं। अब वो जगह जगह उसके परिवार से मिल करके दरखास्त दिलवाना, मुकदमा कराना, अपहरण की बात करना, सबको मालूम है कि अंबिका चौधरी कितने बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, गुंडा हैं, सबको मालूम है, सबको मालूम है। आने वाले समय 3 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। संख्या बल समाजवादी पार्टी के पास है, उपेन्द्र तिवारी समाजवादी पार्टी संख्या बल पर सबसे आगे है और 3 तारीख को समाजवादी पार्टी जीतेगी। आनंद चौधरी विजयी होंगे, उनको केवल भरोसा है प्रशासन के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, वहाँ के मंत्री और विधायक लोगों को प्रशासन पर भरोसा है कि प्रशासन हमको जितवा देगी, अन्यथा तो संख्या बल उनके पास सही है नहीं। इसी से बौखला करके सारा ये काम लोग करा रहे हैं, धमकवाना, पिटवाना, तरह तरह के परेशान लोग कर रहे हैं। सब उनका शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका ये काम है।